देश में गऊ राख्या वालों की जा रही गुंडागर्दी संबंधी विवाद विचाले आरएसएस के मुखी मोहन भागवत ने पूरे देश में गऊ हत्या संबंधी रोक लगाने वाले कानून की वकालत की है। आरएसएस पहला भी ठोक वजा के यह गल कहती आ रही है। फर्क सिर्फ इन्ना है कि इस समय कथित गऊ रख्या करने वाले के हमले लोगों से बढ़ गए हैं। दूजे पास मोहन भागवत को देश का राष्ट्रपति बनाने की मांग चल रही है। इसलिए हुण भागवत के बयान ने हुण राष्ट्रपति अहुदे की मांग नाल इसनूं जोड़ के वेख्या जा रहा है। दस दिए कि पिछले दिन ही राजस्थान के अलवर में खुद को गऊ रख्या समूह दसण वाले कुछ लोगों ने कुछ दिन पहला हरियाणा नाल संबंधित 15 लोगों पर हमला कर दिया। इन्हां विचों एक व्यक्ति की इलाज दौरान मौत हो गई सी। गाय को बचाने जाए और उस प्रयास में और कहीं पर किसी के मन को ठेस पहुंचे, धक्का लगे, हिंसा हो, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। उससे गोरक्षा के हमारे प्रयास ही बदनाम होते हैं। ये परहेज पालन करने की आवश्यकता है क्योंकि गाय इतनी उपयोगी है। आधुनिक जिसको विज्ञान कहते हैं उसको देखा जाए तो भी गाय का उपयोग सर्वसिद्ध है। मैं स्वयं जानवरों का डॉक्टर हूं। मैं अपने देशी गाय के दूध का मलमूत्र का उपयोग, गोमय गोमूत्र का उपयोग खूब अच्छी तरह जानता हूं वैज्ञानिक दृष्टि से। और वैज्ञानिक भी आजकल जानने मानने लगे हैं सर्वदूर।